हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक विद आइसिंग। चॉकलेट केक स्पंज बनाना भी हम आज सीखेंगे और आइसिंग करना भी सीखेंगे, और साथ में ही हम सीखेंगे कि कैसे बहुत ही इजी तरीके से हम रोजेस बना सकते हैं। तो चलिए, ये स्पेशल केक बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम एक बाउल में बटर ले लेंगे। ये 200 ग्राम बटर है, इसका हम आधा ले लेंगे 100 ग्राम। अब हम मिल्क मेड ले लेंगे आधा कप, और इसे हम बीट कर लेंगे। अब एक बड़े चम्मच हम शुगर पाउडर डाल देंगे और एक छोटे चम्मच हम वनीला एसेंस डाल देंगे, और इन सब को जस्ट एक मिनट हम बीट कर लेंगे। अगर बीटर नहीं है आपके पास तो आप हाथ से भी इसको बीट कर सकते हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। एक बाउल में हम एक कप मैदा ले लेंगे, 2 टेबल स्पून हम कोको पाउडर ले लेंगे, 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ले लेंगे, और 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा ले लेंगे। इन सबको अच्छे से हम छान लेंगे, इसमें कोई लम्स ना रहे, अच्छे से इसे छान लिया और एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इन दोनों को एक साथ हम मिक्स करेंगे। इसे एक साथ में हमें मिक्स नहीं करना है, हाफ हाफ करके मिक्स करना है। पहले हम आधा ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे और इसमें हम बटर मिल्क के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने आधा कप दूध और आधा कप दही लेकर एक साथ मिक्स कर लिया है, और उसे धीरे धीरे डालते हुए हम अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हम कट और फोल्ड प्रोसेस से मिक्स करते जाएंगे। आधा बचा हुआ भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। अब हम इसे उसी तरह से कट और फोल्ड के तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम यहाँ पे पहले से ही बटर पेपर लगाकर और उसे ऑयल से ग्रीस कर टिन तैयार कर लिए हैं। इसमें हम अपने बैटर को डाल देंगे और इसे टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा बबल निकल जाए। अब हम यहाँ पे धीमी आंच पर कुकर रखेंगे, जिसमें एक स्टैंड डालेंगे और सीटी और रबड़ निकालकर उसके ढक्कन को बंद कर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे, केक को डाल देंगे बेक होने के लिए। ढक्कन को बंद करके हम 40 मिनट तक इसे छोड़ देंगे। 40 मिनट बाद एक टूथपिक डालकर देखेंगे, अगर क्लियर निकल रहा है तो हमारा केक रेडी हो चुका है। 5 मिनट हम ठंडा करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा केक कितना स्पंजी बनकर रेडी हुआ है। ये बिल्कुल जालीदार और परफेक्ट बेस बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। उसके लिए एक कप हम व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे और उसे हम व्हिप करेंगे। सबसे पहले इसको हम लो स्पीड पे व्हिप करेंगे, फिर 3 मिनट बाद इसे हम हाई स्पीड पे व्हिप करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका बीटर कितने वाट का है। ये देखिए क्रीम फ्लफी सा होने लगा है। ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने एक कप व्हिपिंग क्रीम लिया है जो किसी भी डेयरी शॉप पे अवेलेबल है। सात मिनट हो चुका है, ये अच्छे से व्हिपिंग हो गया है हमारा क्रीम। इसे स्पैडुला से उठाकर देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये नीचे नहीं गिर रहा है। अब हम केक बेस की लेयरिंग कट कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर में जो ड्राई पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे पतला सा। अब हम इसे 3 भाग में कट करेंगे। ब्रेड कटर नाइफ से इसे हम हल्के से गोल गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ कट कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से हमारा फर्स्ट लेयर कट हो चुका है। अब हम सेकेंड लेयर भी उसी तरीके से कट कर लेंगे। केक का बेस थोड़ा सा ड्राई होता है, उस पे अच्छे से हमारा क्रीम स्प्रेड हो, उसके लिए हम प्लेन वाटर या शुगर वाटर से उसे हम थोड़ा वेट कर लेंगे, गीला कर लेंगे। शुगर वाटर के लिए आप पानी में 2-4 चम्मच चीनी मिलाइए और वो शुगर वाटर बन जाएगा। अब हम क्रीम को चारों तरफ से गोल घुमाते हुए अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम सेकेंड लेयर को भी वैसे ही वेट कर लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हम क्रीम से किनारे को कवर कर देंगे, उसे हम ब्लॉक करेंगे, और फिर ऊपर में क्रीम को
धीरे धीरे नाइफ से हम बोल घुमाते हुए उसे कवर करेंगे। यहाँ पे हम क्रीम बहुत ही कम देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि हमें ऊपर से रोजेस फ्लावर बनाने हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रीम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा रहे हैं। अगर आपको रोजेस फ्लावर नहीं बनाने हैं तो आप अच्छे से यहाँ पे क्रीम लगाइए, फिर लास्ट वाले भी भाग को हम अच्छे से वेट किए और उसके ऊपर रखकर लेयर कर दिए। अब उस पर भी हम क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। सबसे पहले हम किनारे के ब्लॉक को बंद करेंगे और फिर ऊपर में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक स्क्रैपर लेंगे और उससे बिल्कुल प्लेन कर लेंगे। ये स्क्रैपर आप किसी फाइल से भी काट कर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने फाइल से ही काट कर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम थोड़े से क्रीम में रेड कलर डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2F नंबर का नोजल लिया है और उसे पैकिंग बैग में डालकर आगे का भाग कट कर लिया है ताकि वो बाहर निकल सके उसका आगे का पोर्शन। अब हम पैकिंग बैग में क्रीम को डालेंगे और उसे हम गोल घुमाते हुए रोजेस बनाएंगे। पहले हम साइड में कवर करेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट जिलेबी की तरह इसे गोल घुमा लेना है राउंड सा। इसे पूरा ऐसे ही राउंड घुमाते हुए हमें पूरा कवर कर देना है। देखिए कितना आसान है रोजेस बनाना। अब इसमें बीच बीच में जो पार्ट खाली बचे हैं उसमें हम छोटे छोटे स्टार डाल देंगे ताकि वो भी कवर हो जाए। ये देखने में तो सुंदर लगते ही हैं, ये बहुत ही आसानी से रोजेस बनकर रेडी हो जाते हैं। तो हमारा ये केक बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम छोटे छोटे सिल्वर बॉल से हम डेकोरेट कर देंगे इसे। ये शुगर बॉल होते हैं। तो हमारा ये चॉकलेट केक बनकर तैयार हो चुका है विद आइसिंग के साथ। इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइएगा। मैं यकीन के साथ बोलती हूँ कि आपका केक बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैं कट कर दिखाती हूँ इसकी लेयर कितनी बढ़िया तैयार हुई है। तो इस केक को आप जरूर ट्राई करिए और हमें बताइए कैसा बना। और मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।